अध्यक्ष महोदय त्यांनी विनंती केली आहे लक्ष्मीती क्रमांक सहा वितरित केल्याप्रमाणे तितकाच वेळ देऊ. अध्यक्ष महोदय आज इस लक्ष्मीती के माध्यम से मैं जो लक्ष्मीती में सम्मान्य मंत्री महोदय ने कबूल किया है 30 लाख लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं. आपने खुद कहा कि महाराष्ट्र में 12,70,000 पावरलूम है उसमें 30 लाख लोग डायरेक्टली और बढ़ने चाहिए. आज आपका और मेरा प्रयत्न यह रहेगा कि बढ़ने भी चाहिए और अच्छे भी चलने चाहिए. अध्यक्ष महोदय भिवंडी मालेगांव इच्छलकरंजी शोलापुर सबके लिए आज न्याय मिलना चाहिए. मैं बड़ी उम्मीद से आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ. अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो चंद्रकांत दादा का धन्यवाद कि उन्होंने महाराष्ट्र को टेक्सटाइल पॉलिसी दी और अब ये टेक्सटाइल पॉलिसी अध्यक्ष महोदय 8 साल तक रहेगी. लेकिन दादा नम्रपने से मैं आपसे कहना चाहता हूं पूरे टेक्सटाइल पॉलिसी को मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है पूरे टेक्सटाइल पॉलिसी में पावर लूम शब्द ही नहीं है. और अगर आप देखेंगे आप सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको 25,000 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 5 लाख लोगों को आप जो है नौकरी देने वाले. मैं आपको ये एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल दूंगा. आप पॉइंटेड प्रश्न पूछिए. मैं एकदम पॉइंटेड पूछूंगा एकदम पॉइंटेड पूछूंगा. बहुत बड़ा विषय है अध्यक्ष महोदय. ये गुजरात गवर्नमेंट की सूरत की पॉलिसी है उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है. अध्यक्ष महोदय बहुत सीरियस महाराष्ट्र का मुद्दा ये. अध्यक्ष महोदय आज आप कह रहे हो कि हम सब्सिडी देने वाले हैं हम कैपिटल के अंदर मदद करने वाले. मैं 91-7 के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टर्फ लाया तब से लेकर आज तक कितने लोगों को बेनिफिट मिला. मंत्री महोदय जी आप लिस्ट रखिए यहां पर एक भी गरीब आदमी एक भी छोटा यंत्र मांग नहीं है सब बड़े लोग हैं. इसलिए मैं कह रहा हूं मेरा पहली मांगनी पहली पॉइंटेड क्वेश्चन आपसे ये क्योंकि सरकार से चूक हुई है. टेक्सटाइल पॉलिसी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है इसमें बड़े लोगों का भला तो होगा लेकिन हमारे जैसे छोटे लोगों का नहीं होगा. 27 HP के नीचे पावरलूम चलाने वाला व्यक्ति प्लेन पावरलूम चलाने वाला व्यक्ति का इसमें कोई भला नहीं होने वाला. तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है क्या आप पावरलूम के लिए अलग से स्टडी ग्रुप बनाकर क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी में हमको न्याय नहीं मिला आप एक स्टडी ग्रुप बनाकर टाइम बाउंड महीने में 2 महीने में आप जो है पावरलूम इंडस्ट्री के विषय जो इंडस्ट्री ने एसोसिएशन ने लोक प्रतिनिधि आप तक पहुंचा है उन पर कोई निर्णय लेंगे क्या. ये पहला क्वेश्चन. दूसरा अध्यक्ष महोदय 27 HP के नीचे इतनी सब्सिडी 27 HP के ऊपर इतनी सब्सिडी. आज भिवंडी में क्या होता है मालूम आपको 27 HP के ऊपर एक दिन के लिए भी मीटर जम किया ना आपकी सब्सिडी चेंज हो जाती. अध्यक्ष महोदय एक नया विचार लाइए ना सब्सिडी पैरिटी पे लाइए. आपने क्या किया अलग 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 सब्सिडी रखा है उसके ऊपर आप सही बात है विदर्भ मराठवाड़ा को न्याय मिलना चाहिए. आपने वहां पे फ्यूल चार्जेस निकाल दिया यानी मैं अगर मराठवाड़ा में कपड़ा बनाऊं और भिवंडी में बनाऊं तो अलग अलग है. मेरा प्रश्न ये है कि ये पैरिटी आप लाएंगे क्या आपको ये सोचना पड़ेगा. अध्यक्ष महोदय हम लोग आज किस चीज पे आज पावरलूम वाला जो व्यक्ति है ना वो जॉब वर्कर बन गया. अध्यक्ष महोदय से देख महोदय न्याय दीजिए टेक्सटाइल को इस तरह से. अध्यक्ष महोदय यान की कालाबाजारी होती है. मैं नाम कंपनी का नहीं लेना चाहता हूं एक कंपनी यान बना रही है एक कंपनी और आप कह रहे कि फ्री मार्केट है. फ्री मार्केट है तो ये इंडस्ट्री चलेगी कैसे. हम क्या जॉब वर्कर बनेंगे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दो और बाद में जॉब. अध्यक्ष महोदय मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय क्या इस पर पैरिटी लाएंगे. दूसरा अध्यक्ष महोदय मेरा क्वेश्चन ये है आज 15 दिन पावरलूम बंद करना पड़ रहा है. अध्यक्ष महोदय 15 दिन मेरा आपसे सवाल यह है कि सम्मान्य दादा ने यहां खड़े रहकर कहा था कि हम 27 HP से जो नीचे उनको 75 पैसे की सब्सिडी एडिशनल देंगे और फिर 1 रुपए की सब्सिडी देंगे. ये प्रस्ताव तो सरकार का है ना. आप कह रहे हो कि नई सरकार ने वो कुछ किया जो इस सरकार ने नहीं किया. गलत बोल रहा हूं. आज पूरे महाराष्ट्र को आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को महाविकास अघाड़ी ने न्याय नहीं दिया. दादा मुझे मालूम है आपकी भूमिका क्लियर है. आप चाहते ही हमको मिले सब्सिडी जो दादा ने यहां पर खड़े रहके कहा. लेकिन आप सबका सहभाग लेके आप सम्मान्य दादा के पास वापस जाइए कि आपके बजट के अंदर किया हुआ अनाउंसमेंट आज उस पर न्याय नहीं मिल रहा. अध्यक्ष महोदय मेरे 2-3 क्वेश्चन और है. पहले 2 प्रश्न का उत्तर इसका आंसर हो जाने दीजिए फिर मैं 3 क्वेश्चन और पूछूंगा. अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित झालाय तो सुरुवातीला मान्यच केला पाहिजे की महाराष्ट्रामध्ये रोजगार निर्मितीमध्ये ज्यांचं मोठं योगदान आहे अशा यंत्रमाग धारकांना
अधिक सवलती मिळाल्या मी सहमत आहे। त्यांनीही मान्य केले की एक अतिशय चांगली टेक्सटाइल पॉलिसी वस्त्रोद्योग धोरण आपण घोषित केलं आणि त्या वस्त्रोद्योग धोरण घोषित केल्यानंतर मग सगळ्या संबंधित घटकांना वारंवार बोलवून काही करेक्शनची यादी केली आणि त्या करेक्शन घेऊन आम्ही पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे गेलो। आता त्यांचं म्हणणं की तरीही यंत्रमाग धारकांना पुरेसं कन्सिडर पुरेसा त्यांचा विचार झाला नाही म्हणून त्याच्यासाठी एक वेगळा अभ्यास गट नेमावा। मान्य मी आजच्याच अशा प्रकारच्या अभ्यास गटाची घोषणा करतो की ज्याच्यामध्ये भिवंडी मालेगाव इचलकरंजी तीन सेंटर्स प्रामुख्याने आहेत काही प्रमाणात बिटा आहे ह्या ठिकाणच्या संबंधित लोकांना लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रमाग धारकांना इन्व्हॉल्व करून आपण एक अभ्यास गट तयार करू त्याचा ऑफिशियल GR काढू त्यांना पुरेशी साधनं उपलब्ध करून देऊ फिरण्यासाठी आणि मग त्याच्यातून तुम्ही एक प्रस्ताव मांडा। दोन मुद्दे त्यांचे पेंडिंग आहेत म्हणजे एक तर मोठी घोषणा आपण केली त्याचा त्यांनी उल्लेख केला नाही बहुतेक ते पुन्हा उठणार आहेत। तर आपण यावेळेला 24,58,000 दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड धारकांना मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने मकर संक्रांत ते होळी कारण एवढं प्रोडक्शन व्हायला पाहिजे 24,58,00,000 कुटुंबांना एक मोफत साडी देणार आहोत। त्याचं कंपल्शन असं आहे की ती यंत्र महाराष्ट्रातल्या यंत्रमाग धारकांनीच तयार केली पाहिजे। एवढा मोठा बिझनेस आपण देणार आहोत एका बाजूने कुटुंबाला मदत आहे आणि दुसऱ्या बाजूने त्यांना आहे तर हे केलं आहे। प्लस त्यांचे दोन महत्वाचे मुद्दे वारंवार येत आहेत ज्याचं मी ह्या अधिवेशनानंतर माननीय अर्थमंत्री महोदय अजितदादा माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय माननीय देवेंद्रजी यांच्यावर बैठक लावतो। मला हे मान्यच आहे की खूप दिवस हा विषय पेंडिंग आहे की 75 पैसे ऑलरेडी जी इलेक्ट्रिक सबसिडी आपण देत नाही असं नाही ती अजून वाढवून त्यांना हवी आहे त्या विषयाचा निर्णय करू। 5% त्यांच्या कर्जावरचं व्याज हे सरकारने बेअर करावं हा प्रस्ताव जवळजवळ त्यातली माहिती गोळा करणं झालं हा प्रस्ताव जवळजवळ पूर्ण होत आला। ज्याचा उल्लेख राहिला त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो की जसं इचलकरंजी आहे भिवंडी आहे मालेगाव आहे विटा आहे त्याच्यापेक्षाही मोठं किंवा त्याला समकक्ष हे सोलापूरचं मार्केट आहे की ज्या ठिकाणी सुद्धा यंत्रमाग धारक आहेत मोठ्या प्रमाणात त्यांना ते कोणत्या कॅटेगरी देतात 25-45% मध्ये येतात का 30-45% मध्ये येतात एकदा माननीय सुभाष बापूंबरोबर बसून आपण पूर्ण करू। गारमेंट या विषयासाठी तर आपण खूपच मोठ्या प्रमाणावर सवलती देतो आहोत आणि त्यामुळे त्याची एक वेगळी लक्षवेधी आपण उपस्थित करावी त्यानिमित्ताने मला सभागृहात तेही अवगत करता येईल की आता आपण एक निर्णय म्हणजे त्याचा अभ्यास चालला आहे की अन्य राज्यामध्ये हा सोलापूर हे झोन 4 मध्ये येतं पश्चिम महाराष्ट्र गारमेंट या विषयामध्ये एक खूप ऐतिहासिक निर्णय आपण करतो आहोत की त्या इंडस्ट्रीमध्ये पगार जो दिला जातो त्या पगारावर काही कॉन्ट्रीब्युट सरकारने करावं की जेणेकरून त्या महिला कामगारांना थोडा बरा पगार मिळेल त्या इंडस्ट्रीला सुद्धा राहत मिळेल किंवा त्यांच्या सॅलरी एक्सपेंडिचरमध्ये सरकारचा काही सहयोग पण हे सगळे विचाराधीन विषय आहेत। माननीय सुभाष बापूंनी ह्याच अधिवेशनामध्ये समजा गारमेंट या विषयाला धरून ही यंत्रमागाची आहे जर लक्षवेधी उपस्थित केली तर मलाही त्या निमित्ताने त्यावर खूप काम करता येईल। चला अरे सिंग अध्यक्ष महोदय जी मैं मंत्री महोदय जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने तीन विषय पे जो है मेरे डिमांड एक्सेप्ट की स्टडी ग्रुप बनाया 5% जो आपने कहा है कि इंटरेस्ट वेवर की जो फाइलें हैं मैं क्लियर करूंगा। तो आपने जो कहा कि 5% की जो इंटरेस्ट वेवर की फाइलें हैं आपने कहा कि मैं जल्द से जल्द क्लियर करूंगा तो वो टाइम मुझे बता दीजिए। दूसरा अध्यक्ष महोदय सरकार ने आज क्या अनाउंस किया कि 27,00,000 साड़ियां जो आप बनाने वाले उसको आपने कंपलसरी किया कि अभी वो पावर लूम पे बनेगी। अध्यक्ष महोदय मेरी मांगनी है कि हैंडलूम के लिए जो आपने रिजर्वेशन किया है पोछा जो मारते हैं वो कपड़ा हैंडलूम की एक पूरी कैटेगरी है। अब हैंडलूम में कोई कपड़ा बनता नहीं लोग ये ओपन बात है कि लोग सिर्फ कागज पे हैंडलूम की कंपनी चलाते हैं। मैं पॉइंटेड पूछ रहा हूं वो सब कपड़े जो लोकल बाजार में यूज होते हैं पोछा करना ऐसे कई 12 कैटेगरीज है क्या ये रिजर्वेशन जो है पावरलूम को भी मिलेगा ताकि काम मिले पावरलूम को यानी आप कंपलसरी कीजिए कि जो कॉटन बेस्ड जो कपड़े हैं जो ओपन मार्केट में बिकते हैं जिनको ज्यादा एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं फिनिशिंग की जरूरत नहीं वो सब इसके अंदर आए। दूसरा ना अध्यक्ष महोदय स्टेट महामंडल जो है यंत्रमाग का उसमें जो बीमा हो रहा है ना वो पुराने रेट पे हो रहा है। आपसे निवेदन है कि वो पॉलिसी को रिव्यू कीजिए और इंश्योरेंस जो है उसकी पॉलिसी को सुधार कीजिए ये टेक्सटाइल में रह गया है अध्यक्ष महोदय। दूसरा क्या आप भिवंडी आएंगे
हमने कई बार आपको न्योता दिया है, तो ये जो स्टडी ग्रुप आकर भिवंडी में अनाउंस कीजिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मी वारंवार याची परिस्थिती घेतली आहे की माननीय सन्माननीय सदस्य रईस खान यांचा खूपच अभ्यास आहे, खूप लगाव त्यांचा ह्या उद्योगाशी आहे, त्यामुळे जो अभ्यास गट तयार करणार होता त्यांना नक्की, त्याच्या आधी आम्ही टेक्सटाईल पॉलिसीच्या अभ्यास गटातही त्यांना घेतलं होतं, आणि त्यांचा हा आग्रह जो आहे भिवंडीचा तोही मला मान्य आहे। वर्षाताईने असं म्हटलं की गारमेंटच्या विषयामध्ये मुंबई गारमेंटचं खूप मोठं हब आहे, मोठ्या प्रमाणात म्हणजे अगदी असं धारावी पासून थेट गोरेगाव आणि सगळ्या भागामध्ये, त्यामुळे गारमेंटची वेगळी लक्षवेधी लावूयात आपण, लावूयात म्हणजे तुम्ही कोणती लावा। पॉवरलूमच्या कापडासाठी रिझर्वेशन बाबत उद्योग विभागाला विनंती केली आहे, ते करू, पण आता तुमच्या ह्या सगळ्याच म्हणजे काय काय अशा मागण्या असू शकतात यासाठी एक अभ्यास गट मी घोषितच केलाय, पण तुम्हाला त्या सन्माननीय सदस्य म्हणून म्हणतो मी।